मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से एक बेहद ही अजीबोगरीब खबर सामने आई है। यहाँ एक गांव में गुरुवार को बंदर की मौत के बाद मातम पसर गया। गांव वालों ने बंदर की अंतिम यात्रा निकाली, जिसमें आगे बैंड बाजे चले तो पीछे महिलाएं भजन गाते हुए मुक्ति धाम तक पहुंची। यहाँ विधि विधान से बंदर को अंतिम विदाई दी गई। मामला राजगढ़ जिले के खिलजीपुर तहसील के डालूपुरा गाँव का है। यहाँ बुधवार को एक बंदर जंगल की ओर से गाँव में आ गया। दिन भर तो वह उछल कूद करता रहा, लेकिन रात में अचानक एक घर के सामने बैठकर कांपने लगा। लोगों ने यह देखा तो उसके पास आग जला दी। उसे लगातार गर्मी देने की कोशिश की गई। बंदर की तबीयत और बिगड़ी तो तत्काल उसे लेकर डॉक्टर के पास खिलचीपुर पहुंचे। डॉक्टर से इलाज कराकर वह उसे वापस गांव ले आए। देर रात तक वह उसे गर्म कपड़े उड़ाकर बचाने की कोशिश करते रहे। रात करीब 2 बजे बंदर ने अंतिम सांस ली। यह देख गांव वाले भावुक हो गए। रात भर वह शव के पास ही बैठे रहे। गुरुवार सुबह पूरा गांव हनुमान मंदिर पहुंचा। महिलाएं भी बंदर की अंतिम यात्रा में शामिल होने मंदिर के पास पहुंची। यहां बंदर के लिए आरती सजाई गई। इसके बाद नारियल रखकर बंदर को नमन किया गया। इसके बाद अंतिम यात्रा मुक्ति धाम के लिए रवाना हुई। आगे आगे बैंड बाजे वाले चले तो पीछे से महिलाएं भजन गाती हुई मुक्ति धाम तक चली। गांव के बिरन सिंह चौहान ने बताया कि बंदर को हम हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, इसलिए उसकी मौत पर हम सब भावुक हो गए। विधि विधान से बंदर का अंतिम संस्कार किया गया है। राजगढ़ से डॉक्टर साहब ने चारंजीत सिंह लगा दिया उसके, फिर उसके बाद बोल दिया गाँव पे ले जाओ आराम हो जाए। फिर हम उसे गाँव में ले आया तो गाँव में लाने के बाद रात में 2 बजे खत्म हो गए। तो सुबह फिर सभी गांव वाले ने उनके